के नवरात्र विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माँ आप सभी के जीवन में सुख शांति लाएंगी और आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करेंगी। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए आपको बताते हैं कि आज कौन सी माँ की आराधना करनी चाहिए और माँ को क्या भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि का नवा दिन माँ सिद्धरात्रि का है और इस दिन माँ को हलवा पूड़ी व खीर का भोग लगाना शुभ होता है। सिद्धि गंधर्व यक्षाय ध्याय सुराय अमराय पी सेव्यमान सदा भूया सिद्धिदा सिद्धिदायनी। नवरात्र का आखिरी दिन यानी नवा दिन माँ सिद्धरात्रि का है। इस दिन घर पर हलवा पूड़ी और खीर बनाकर माँ को भोग लगाएं। माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र पूजन के नौवे दिन इनकी उपासना की जाती है। ओम रीम सहा सिद्धिदात्रे नमः। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। आज के हमारे नवरात्र विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।